नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं ऑफिशियल होम। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका लावा जेट 70 में FRP लॉक लग जाए तो आप उसे बहुत इजी वे में रिमूव कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, ना आपको फ्लैशिंग करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे फ़ोन में FRP लॉक लगा हुआ है और साथ में प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे आपको इसको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आप कोई भी कनेक्शन प्रोवाइड करा लीजिए जिससे आप नेट चला सकें। तो मैंने जियो सेलेक्ट किया, उसके बाद सेटअप और न्यू डिवाइस करूँगा। जैसे ही मैं सेटअप और न्यू डिवाइस करूँगा, आप यहाँ देखेंगे प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि हमारा जो वो है आगे जो बढ़ता है, यहाँ पे वाईफाई पूछ रहा है और आपको यहाँ पे वाईफाई ऐड करना होगा। जैसे आप वाईफाई या किसी नेटवर्क के थ्रू करते हैं तो आगे जाने के बाद जो FRP बोलते हैं, जिसको कहते हैं फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, जो कि जीमेल अकाउंट होता है, अगर आपको वो नहीं पता है तो आपका जो फ़ोन है उसको फॉर्मेट करना पड़ता है पूरी तरीके से, या फिर इसकी FRP को रिमूव करना पड़ता है। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि FRP को किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लीजिए। स्विच ऑफ करने के बाद आपको फ़ोन को कनेक्ट करना होगा अपने PC से और आपके जो FRP लॉक को है वो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए सिस्टम पर चलते हैं और अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे PC से। तो चलिए सिस्टम पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग PC पर आ चुके हैं। अब आपको सिंपली से एक फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी MT6737M, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप जो मेरिकल 2.58 का जो क्रैक यूज़ करेंगे FRP लॉक को रिमूव करने के लिए लावा जेट 70 में, तो किस तरीके से रिमूव करते हैं। सिंपल, आपको पहले अपने फोन नेट को बंद कर देना होगा। नेट को बंद करने के बाद जो आपका जो मेरिकल का जो क्रैक है उसको आपको रन करना है, और उसको रन करने से पहले भी आपको क्या करना है, विंडो का जो बिट डिफेंडर है उसको भी आपको ऑफ कर देना है पूरी तरीके से। अगर आप इसको ऑफ नहीं करते हैं तो जो हमारी जो फाइल होती है क्रैक फाइल, वो उड़ जाती है या फिर डिलीट हो जाती है। एक तरीके से वायरस डिटेक्ट करता है हमारा सिस्टम और उसको डिलीट कर देता है। तो आप देखिए, आपको यहाँ पर दिख सकता है कि हमारा एक लोडर है, उसको हम रन करते हैं रन टू एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। और जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकेंगे थोड़ी देर के बाद, 2 सेकंड 10 सेकंड का टाइम ले सकता है, 10 सेकंड के अंदर जो हमारा ये मेरिकल थंडर 2.58 है वो आसानी से रन कर जाएगा। और जैसे ही ये रन करेगा, आपको एक बार और स्टार्ट कर लीजिए। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक बार में स्टार्ट नहीं होता है तो आपको दो बार रन करना पड़ जाता है। तो देखिए, आपका जो ये जो आपका मेरिकल क्रैक है वो स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करना है, आपको अपने नेट को दोबारा से रन कर देना है। जो आपका नेट ने आपको डिसेबल किया था वो इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ देखिए कनेक्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेगा और सर्वर से पूरी तरीके से कनेक्टेड हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आपको ऑथेंटिकेशन ओके हो गया। अब सीधे सीधे आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप चाहें तो यहाँ से फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। आप पहले टेक्स्ट फाइल को, जो कि हमारा स्क्रिप्टर फाइल है, टेक्स्ट फाइल, उसको केवल सेलेक्ट करना होगा एड्रेसिंग के लिए। तो आप इस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा अनलॉकिंग पर जाना है। सो अनलॉकिंग के बाद जाने के बाद आपको क्लीन सेटिंग FRP पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है। जैसे ही आप फ़ोन को कनेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली MTK मोड पर आ जाएगा। आपको वॉल्यूम अप बटन दबा दीजिएगा या फिर डायरेक्टली आप कनेक्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके PC से। अब क्या करना है, सिंपली हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका यहाँ देख सकते हैं प्रोसेस हो रही है, नो कर दीजिए। नो करने के बाद अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है। आप कोई भी बटन मत दबाइएगा, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर दीजिए अपने फ़ोन को। तो जैसे ही आप फ़ोन को कनेक्ट करेंगे आप यहाँ देख सकेंगे हमारा जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करा दिया इसने। MT6737 CPU है इसमें और आपका ये जो FRP फाइल का एड्रेस है उसको फॉर्मेट कर दिया। अब चलिए अब फ़ोन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी फाइल FRP हटा है या नहीं हटा है। सो ठीक है दोस्तों, हम लोग फ़ोन पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा फ़ोन है वो पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस होती है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरी तरीके से। और आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारा वाईफाई का ऑप्शन आ रहा था, वहाँ पे वाईफाई का डू नॉट यूज़ एनी सेटअप ऑप्शन आ चुका है। आप इसे इस पूरे प्रोसेस को कम्प्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली और जो हमारा फ़ोन है वो पूरी तरीके से प्रॉपरली ऑन हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से सिंपल मेथड में आपको बताया कि आप किस तरीके से FRP लॉक को रिमूव कर सकते हैं और आसानी से आप किस तरीके से कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरिकल के थ्रू और भी बहुत सारे जो FRP लॉक्स हैं उसको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।